बल्लागुड़ा के गौस नगर की आवाम ने बताया कि किस तरह उन्हें बेमतलब की लैंड ग्रैबर बताया जा रहा है। इन लोगों ने अपने दस्तावेज बताए जिसमें कि जाहिर होता है कि वो पिछले 17 साल से उस जगह पे रह रहे हैं, यहाँ तक कि उनके ही नाम से वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी मीटर लिया हुआ है और पानी का भी इंतजाम है उन्हीं के नाम से। पर उन्हें लैंड ग्रैबर बताकर कुछ लोग उनकी जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं। गौस नगर के आवाम के साथ डीसीपी साउथ सत्यनारायण आईपीएस भी मिले हुए, ऐसा उन लोगों का कहना है। इसके चलते गौस नगर के लोगों ने हमें बताया है कि किस तरह वो कितने सालों से वहां रह रहे हैं और किस तरह उनकी जमीन पे कब्जा किया गया। देखिए तफसीली रिपोर्ट। स्टॉप करो सर, तो नीचे जाएगा तो कैसा काम होता है? मैं गौस नगर उमदा हिल्स में जमीन अहमद खान से ली थी 17 साल हो रहा। वहाँ मकान तैयार करी, मीटर लिए, रजिस्ट्री करी और आधार कार्ड बनाई। ये लाइट के बिल वगैरह सब मेरे पास है। अचानक 2017 में वहाँ पर चंद होंडे आए, जमालुद्दीन और सुल्तान, बावजीर और सईद बा हमीद, हबीब खान, फसी अहमद, ये पूरे लोग आए और वहाँ पर बोलते सुबह हमारे को हकाल दिए हमारे को। हमारा डर के भाग गए और हमारे ताले तोड़ के अंदर औरतों को बिठा दिए, उनका नाम भी पड़ जाना है, ताले तोड़ के उन लोगों को बिठा दिए। हमारा डर के भाग गए। क्या है, मैं एक हाउस वाइफ हूँ, मेरे हस्बैंड चगी की दुकान है, हमारा गरीब है। हम एक रूम बना लेके वहाँ थे साहब, हमला थे तो एक दिन आए ऐसी उन लोग आके जो सो हमला बच्चे ला सो रहे थे घरों में से निकाल के सामान वे करके चले और तुम्हारा नहीं होता तुम्हारा घर पेपरा नहीं। उसके बाद हमारी रजिस्ट्री के अमाउंट जिससे हम लोगों को घरों में से निकाल दे रहा आपके पेपरा गए बताओ तो हाँ वहाँ पेपरा हमला तुम्हारा पहले घर के बाहर निकलो। हम छोटे छोटे बच्चों को लेकर गली गली फिर साहब यहाँ वहाँ पानी बारिश में फिर रहे कर रहे यहाँ वहाँ पुलिस स्टेशन में गए, डीसीपी साहब करने गए, 3-4 वक्त गए, फिर वहाँ से हमको मिल गया था घर। फिर उसके बावजूद ही फिर आके फिर निकाल दिया उन लोगों पूरा जो था जेसीपी चला दिया हमारे घर के ऊपर। इसके बावजूद भी हमला खामोश बैठे यहाँ वहाँ हमारे रिश्तेदारों के पास घूम रहे फिर रहे थे जा रहे आ रहे चुप कर रहे हैं। हमला बोले क्या तो भी है सब छोटे बच्चों को लेके हमला कहाँ जाना बोल के बोले तो जो रहीम बावजीर है उनके लोग। मेरा नाम मोहम्मद अहमद खान है, मुझे सरकारी भाषा से बोलते हैं गवर्नमेंट सर्वेंट का। 2003 में इधर हंडको में निकला, सोखबाम साहब और उनके लोग प्लाटिंग करके बेच रहे थे तो उसी पीरियड में मेरे को भी जमीन समझ में आई। मैं उनके डॉक्यूमेंट देखा, डॉक्यूमेंट में मद्रास का लक्ष्मण राव जो अखबारों का बेटा है उसका एग्रीमेंट पूरा देखा। देखने के बाद मैं भी जो है ना हमारे लोगों को यहाँ प्लाटा ले बोला। ये वाक़ 2003 का है, 2003 में हमारे तकरीबन लोग आए प्लाटा लिए और कंस्ट्रक्शन करे घरा बना के रह रहे थे। उसी पीरियड में एक घर में वहाँ के रोडी लोग कब्जा करने के वैसे आके घर बर्बाद कर दिए। तो उस ज़माने के TRS के आज के जो होम मिनिस्टर साहब है वो वहाँ तशरीफ लाए, वो घर वालों को फुर्सा दिए और बच्ची का शादी का दहेज का सामान पूरा उन्होंने मुहैया करके दिए और शादी में भी शरीक गए। उसके बाद ऐसे ही वाकयात हो रहे थे। फिर थोड़े दिन के बाद जॉइंट कलेक्टर साहब और आबेद रसूल खान साहब ये लोग आए, आने के बाद पूरा राउंड मार के गरीबों के हालात देखे। वो लोग जो है ना हम लोग 58 GO के तहत गरीबों को जो है ना हम मुतमिन करा देंगे। और मंसूर और जो है ना सलाउद्दीन अब्दुल रहीम बाबुद्दीन जमालुद्दीन भुल्लो के पास और लैंड ग्रावर, उसके बाद संतोष अन्ना, उसके बाद शादाब अहमद, एमए अली, मोहम्मद फसीउद्दीन और पी सिद्धार्थ मोहम्मद जमालुद्दीन बॉस उसके एसोसिएट में ये लोग हैं सुल्तान सलाउद्दीन, ये नंबर 1 रोड़ी है, अब्दुल रहीम बावजीर और जो है ना शादाब अहमद
यम अली मोहम्मद फसीउद्दीन सिद्धारत यम्मद अदिल अली मंसूर लंगड़ा सऊद बाम उबैद बिन अबू हबीब मोहम्मद तकरीबन गरीबों को सता रहे और अकेले में आके उनके धरान लौट के चीज़ा ले लेकर चले आ रहे ये तो मामूल देव बोल रहे ऐसा बोलिए और हम हुकूमत तेलंगाना से हम हुकूमत तेलंगाना से ये उम्मीद करते हैं ये अपील करते हैं ये इल्तजा करते हैं इधर के रोडियोस को ज़रा कंट्रोल करके हमारे को जो है ना सुकून की ज़िंदगी गुजारने के लिए हमको रखे हम बहुत बहुत शुक्रगुजार होंगे क्योंकि गुंडा नासिर रातों में आके मामूल सुन कर और जो है ना घरों में खतरे मार के घरों में चाका दे रहे तो लिहाजा हुकूमत तेलंगाना से और जो है ना हमारे पुलिस कमिश्नर साहब से हमारे DCP साहब तो खैर हमारे हमदर्द है गरीबों के राजा है अल्लाह ताला हमको तेलंगाना से गुजारिश करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। इसी के साथ मैं जुबैर गारवी आपसे विदा लेता हूँ। देखते रहे आरआई न्यूज़, सबसे आगे सबसे तेज, देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर आपको मिलेगी, इसलिए देखते रहे आरआई न्यूज़।